देख रहे हैं टाइम सिटी न्यूज यूपी। मैं विवेक अरफुंसी इस समय पलिया तहसील में मौजूद है और बार बार हमको पलिया तहसील में आना पड़ता है। और हमारे पीछे आप देखिए भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, इनकी कुछ समस्या है, ये अपनी समस्या बताने आए हैं। उससे पहले हम आपको समस्या बता दें, इस पलिया तहसील की क्या समस्या है। योगी जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात वो बार बार करते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जब आप पलिया तहसील में आते हैं तो चाहे पुलिस हो या तहसील प्रशासन हो, भ्रष्टाचार में इस कदर डूबा है कि कर्मचारी से लेके अधिकारी तक अपनी मनमानी पे उतारू है। पीड़ित आके एप्लीकेशन देता है, बार बार उनके चौखट पे आता है, लेकिन कोई समस्या की सुनवाई नहीं होती है। जिसकी वानगी अभी ऐटपुर का मामला ले लीजिए, ऐटपुर गजरौरा के कई लोग आए जिसमें लेखपाल और प्रधान पर आरोप लगाया, मुर्दाबाद के नारे लगे, वही लेखपाल अरविंद लेखपाल जिसपे इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लगातार पीछे बाढ़ राहत के चेक बांटने की गड़बड़ी, उस पर भी जाते जाते जो इससे पूर्व में SDM थे उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी, उसके अलावा भी फर्जी बैनामे फर्जी वरासत दर्ज करवा दी, किसी और पिता कोई और है, बेटा कोई और है, वरासत किसी और के नाम दर्ज कर दी, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सीना चौड़ा करके वो अपना घूम रहा है। जब अधिकारी ही डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, हम आपको बता दें कि चंदन चौकी, इसी पलिया तहसील क्षेत्र का चंदन चौकी में रामगढ़ एक पड़ता है और चंदन चौकी क्षेत्र थारू बहुल इलाका है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है जमीनें। वहां पे 23 पिछले ही इसी साल में मार्च के महीने में एक पट्टे किए गए, 25 पट्टे किए गए नवीन परती की जमीन पे। हम आपको फिर से बता दें कि वो पट्टे उस जमीन पे किए गए जो जमीन केवल और केवल थारू जनजात के लिए आरक्षित है, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की जमीन है, वहाँ किसी और के पट्टे नहीं हो सकते हैं। मैं इनके सामने खड़ा हूँ, ये देखिए पीछे नायब तहसीलदार का कक्ष है और नायब तहसीलदार महोदया ने ही उस पर ऑर्डर किया, और जब ये ऑर्डर हुआ और उन लोगों को इसकी जानकारी हो गई, खुश हो गए कि हमारे नाम जमीन हो गई, 25 पट्टेदारों ने लेन देन कर, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है लेन देन कर वो पट्टे अपने नाम करा लिए। जब वो उसके बाद जब उनके नाम हो गई तो KCC किसान क्रेडिट कार्ड लेने जब बैंक पहुंचे और बैंक ने 12 साल उनसे मांगा, तो जब वो तहसील पलिया पहुंचते हैं और बैंक के वकील से बात करते हैं तो उनका कहना था कि 4 महीने पहले तक ये जमीन नवीन परती में दर्ज थी, मैं 12 साल का आपको रिकॉर्ड कैसे दे दूं। जब ये मामला खुला और अधिकारियों के संज्ञान में आया तो धड़ाधड़ जून महीने में उन ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया, उन ऑर्डर को वापस ले लिया गया इन्हीं तहसीलदार महोदया द्वारा दिया गया। लोग इसको लेके राजस्व परिषद भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जा भी चुके हैं। इसके अलावा एक और चीज ये है, ग्रामीण है, ये लेके आए, पूरा परिवार इनका है और ये नायब तहसीलदार कच्छ के सामने ही बैठे हैं। हम इनसे जानेंगे इनकी समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? असरफी लाल जी। कहाँ रहते हैं आप? नगला रहते हैं। क्या मामला आज आप यहाँ नायब तहसीलदार के कमरे के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, ऑफिस के बाहर खड़े हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है, हमारे चारों भाई के नामे जमीन आ गई, उसके बाद जो विपक्षी है उसके नामे हमको पता नहीं, वहाँ से फाइल आकर यहाँ लग गई है, हमको ना पता ना वकील पता, यहाँ काम हो गया। तो देखिए इनका कहना है कि इनकी कोर्ट में फाइल चल रही थी और फाइल चल रही थी उसके बाद इनको पता भी नहीं चला, इनके वकील ने बहस भी नहीं की और उस पर उनका ऑर्डर कर दिया, जबकि इन्हीं तहसीलदार महोदया ने उस पर 10 महीने पहले इन्हीं के नाम वरासत दर्ज की थी। इनके मामा की जमीन थी, मामा के कोई बच्चे ना होने के कारण इनकी माता जी के नाम आई और जब माता जी नहीं रही तो इनके नाम वरासत इन्हीं तहसीलदार महोदया द्वारा की गई, लेकिन उसके बाद अब ये क्या हो रहा है, अब किसके नाम जमीन कर दी जा रही है? मनोहर और बाबू के नाम जमीन। तो क्या लगता है काहे ऐसा हो गया? आपके नाम जमीन जब उन्होंने खुद की थी तो अब कैसे क्या हो गया? लेन देन है मामला। किसने लेन देन किया? नायब साहब ने किया। तो देखिए सीधा आरोप लग रहा है, अधिकारियों से बात की, आपके वकील क्या बता रहा, वकील थे नहीं क्या आपके यहाँ? अच्छा, हम हैं उसमें, हमारे साथ वकील साहब हैं, एक मिनट आए। वकील साहब क्या हुआ, ये आपके क्लाइंट हैं और ये इनकी समस्या थी, इनके नाम वरासत जैसे कि बता रहे हैं, इनकी माता जी ने इनके नाम वरासत की थी और आप भी देख रहे हैं, हुआ क्या उसके बाद? देखिए इनका मुकदमा चल रहा है चार साल से मुकदमा चल रहा है। इनके मामा थे और सगी इनकी जो बहन थी वो इनकी माता जी थी। जब इनके मामा अविवाहित थे और जब वो खत्म हो गए तो इन्होंने वरासत अपनी डाली,
लेकिन लेखपाल ने शांट गांट करके उस वरासत को विवादित करने के लिए इनके मामा के नौकर से एक मोटी रकम लेकर के रामपाल वर्मा पूर्व लेखपाल है, सेवानिवृत्त हो चुका है इस समय, उसने जो है यहाँ पर विवादित करके उलझा दिया मामले को और अदालत तक ले आया। इन लोगों ने पैरवी की, अपने साक्ष्य दाखिल किए, सारी चीज़ें दाखिल की, और दाखिल करने के बाद में मेरिट के आधार पर नायब तहसीलदार महोदय ने एक इनके पक्ष में आर्डर किया नवंबर में। आर्डर हो जाने के बाद में फिर तुरंत रेस्टोरेशन उधर से आकर के हमें को हमको बिना बताए बिना इनके बताए उस रेस्टोरेशन पर तुरंत जो है मौके पर स्टे कर दिया। हम चाहेंगे थोड़ा पीछे चलिए, देखें इनकी समस्याएं, पीड़ित गरीबों की समस्याओं से बारिश हो रही है, लोगों भगवान को भी पता है इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन योगी जी जो आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पे, तहसील पलिया में वो उसका कहीं भी कोई क्रियान्वयन नहीं होता, चाहे पुलिस हो और चाहे तहसील के कर्मचारी। हम वकील साहब से बात करेंगे, वो बता रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद कल हम अनुपस्थित थे, हमारी एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी, हम उसमें शामिल होने चले गए थे, इन लोगों को हम बता नहीं पाए, ना ये लोग कोर्ट में हाजिर आए ना हम आए। पत्रावली में जो विपक्षी अधिवक्ता महोदय थे उन्होंने एक वाद पत्र में संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। दावे में उन्होंने ये कहा है कि जो मृतक के बाबा थे उनके नाम की जो जमीन थी हमको नहीं मिली, और मेरिट पर आर्डर हो गया। मेरिट पर आर्डर हो जाने के बाद में फिर उन्होंने कल रेस्टोरेशन के विचाराधीन रहते हुए उन्होंने वाद पत्र में संशोधन करवा लिया, और कल ही प्रार्थना पत्र दिया गया, और कल ही इनके पक्ष में आदेश कर दिया गया, रेस्टोरेशन को स्वीकार कर दिया गया, उसको जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस वाद पत्र में किसी जिस व्यक्ति को वो बाबा कह रहे थे उसको चाचा कहने लगे, चार साल के बाद में मेरिट प्रार्थना पत्र पर आर्डर होता है, और आर्डर हो जाने के बाद में 34 का मुकदमा है, इसमें रिश्तों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो धारा 34 का मुकदमा होता है इसमें रिश्तों में कोई संशोधन वाद पत्र में नहीं किया जा सकता, गाटा संख्या रकबा और गाँव इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन रिश्तों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। चार साल के बाद में नायब महोदय ने जिस प्रार्थना पत्र जिस पत्रावली को मेरिट पर आदेश दिया था उसी प्रार्थना पत्र में एक पक्षी रूप से उसी दिन बिना उसको हमारे द्वारा सूचना दिए हमको बिना सुने कर दिया गया। और सबसे ये बड़ी बात रही कि पत्रावली जब जीवित है नहीं, रेस्टोरेशन विचाराधीन है, तो वाद पत्र में संशोधन का प्रार्थना पत्र अलाउ हो रहा है, और फरदेगांव पर हमको उपस्थित दिखाया जा रहा ताकि हम अपील भी न जाएं, इनको आगे से भी न्याय ना मिले, मतलब आप तो नहीं थे उसके बाद भी उसके हमको दिखाया जा रहा, हमको प्रेजेंट दिखाया जा रहा। मैंने अभी अध्यक्ष जी से बाहर के जो अध्यक्ष हमारे श्री त्रिवेदी जी हैं और बनारसी लाल चौधरी जी हैं उनको मैंने पत्रावली का को दिखाया है, और आदरणीय SDM साहब को इसके बारे में बताया गया, SDM साहब ने जांच का आश्वासन दिया है, और ये पीड़ित पक्ष है, मेरे मना करने के बावजूद ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे द्वारा कई बार मना किया गया है कि तमाम न्याय तुमको कहीं ना कहीं मिलेगी, तमाम दरवाजे हैं, और विशेषतर योगी जी इस समय जो न्याय दे रहे हैं, कहाँ न्याय मिलेगा वकील साहब? आप बता रहे हैं आप जैसे जो है योग्य वकील लगे रहे उसके बाद भी इस तरीके की चीजें हो गई, न्याय की उम्मीद इनको कहाँ है? आपको उपस्थित दिखा कर हम अधिवक्ता हैं, एक जगह अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम विचलित नहीं होंगे, हम यहाँ से लगा करके सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्षमता रखते हैं, आशा रखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दरवाजे पर हमको न्याय मिलेगा, लेकिन इस पत्रावली का मुआयना करा के और संबंधित उच्च अधिकारियों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिख करके संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की हम लोग मांग भी करेंगे, और ये भी चाहेंगे कि हमको न्याय मिले, और योगी जी से चाहेंगे कि न्याय मिले। योगी जी के जो प्रति सहानुभूति जनता में है, जो जनता चाह रही कि योगी जी जैसे एक जो है न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हमारे उसमें बैठे हैं प्रदेश में, तो उनकी जो उनके प्रति जो आशा है वो निश्चित रूप से पूरी होगी, ये लोग अगर न्याय नहीं मिलेगा तो योगी जी के पास तक जाएंगे। देखिए वकील साहब की का प्रयास सार्थक हो ईश्वर से यही कामना है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि जब सारी ही सीटों पे इस तरीके के लोग बैठे, क्या यहाँ SDM नहीं है? क्या केवल नायब तहसीलदार हैं? SDM के अलावा तहसीलदार भी हैं, लेकिन किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं, लगातार चाहे लेखपालों पे आरोप लगे, चाहे नायब तहसीलदार पर लगे, बार बार इसी तरीके की बातें आती। अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे जो इस पार्टी के जो ये पीड़ित हैं इनके वकील थे, उन्होंने बताया कि हमारी अनुपस्थिति होने के बाद भी हमें हमारी उपस्थिति दिखाकर वो ऑर्डर कर दिया गया। हम इनसे चाचा से बात करते हैं, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या इस तरीके से योगी जी जो बात कह रहे थे
कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ है ये पूछते, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप ही की जमीन, आप लोग कितने भाई हैं? चार भाई हैं। लगभग 2 लाख रुपए जो साहब ने 2 लाख रुपए। तो देखिए 2 लाख रुपए लेकर जैसे कि आरोप लगा रहे हैं नायब साहब ने, इनके ऊपर ऑर्डर कर दिया, इनकी जो विपक्षी था उसके पक्ष में ऑर्डर कर दिया। अब ये तो जांच का विषय है और जांच हम ऐसे कहते हैं, जांच हमारे लिए हल्का शब्द है क्योंकि हम लगातार जांचे देख रहे हैं, क्या वो तहसीलदार साहब हो या एसडीएम साहब हो, किन लेखपालों पर जांच करते हैं या किन जो दोषी अधिकारी कर्मचारी होते हैं उन पर जांच करते हैं, वो हम सब देख रहे हैं। आप भी लोग जानते होंगे, हमें आप बताइए कि जब आप वहाँ, आपका ऑर्डर हो गया था कि आप जो है अपनी जमीन पे कब्जा कर सकते हैं, आपके नाम है, वारिसाना भी आप लोगों के नाम दर्ज है, तब आप जमीन पे जाते थे तो वो लोग क्या करते थे? हम वहाँ पर अपना गन्ना बो रहे थे, बोलते थे पहले नफरा करते थे फिर हम अपना गन्ना बो रहे थे, अब वो जो है बीच में चलते रहे। अब हमारी तारीखें लगती थी, तारीखें लगने कल हमारी तारीख थी, अब हमारे वकील साहब जो है इनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, वकील हमारे जो अनुपस्थित में थे, तो अब जो है वकील हमारे अनुपस्थित में, उनके वकील जो है हमारे वकील को उपस्थित में दिखा कर और हमारे जो वरासत जो है उनके नाम जो है करवा दिए, पैसा लेकर लेन देन करके जो उनके जो है नाम। तो देखिए पैसा लेकर इनके जो इनकी खुद की जमीन थी जिस पे ये वारिस के तौर पे दर्ज हैं, उन्हीं अधिकारी द्वारा वारिस दर्ज किया गया और उनके बाद ये इस तरीके की चीज़ें जब होंगी तो न्याय पर कहाँ विश्वास रहेगा, कैसे आदमी न्याय पर विश्वास करेगा, तहसील में आएगा या कहाँ जाएगा पीड़ित आदमी? अब इनकी क्षमता हो सकता है तहसील तक हो, ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना जा पाए। तो माननीय योगी जी, जो आपने वादा किया था जीरो टॉलरेंस का, वो पलिया तहसील क्षेत्र में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारा सभी का यही निवेदन है, बार बार हम खबर के माध्यम से भी आप तक पहुंचाते हैं और हम इसको ट्वीट भी करेंगे कि आप कृपया इसका संज्ञान ले, जो इस तरीके के लोग जो हैं आप पे विश्वास ना खोए। आपका क्या कहना है, कुछ बताना चाहेंगे आप? सामने धरना दे रहे हैं वो लोग, आरोप लगा रहे हैं उसी पे मैं आपका वर्जन चाहता हूँ, क्या कह रही हैं? जो आपने मुझे चांस दिया बोलने का, लेकिन विनय जी आप मुझे 2.5 साल से जानते हैं, आज से नहीं 2.5 साल से जानते हैं। न्यायालय में एक पक्ष हारेगा एक पक्ष जीतेगा, अगर हर हारने वाला पक्ष न्यायालय के सामने इस तरीके से धरना देगा तो मैं क्या, पूरे जिले में क्या, पूरे प्रदेश में क्या, पूरे इंडिया में कोई भी अधिकारी अपने न्यायालय नहीं चला पाएगा। आपके वकील साहब जो दूसरी पार्टी में और मेरी अनुपस्थिति में मुझे उपस्थित दिखाकर ऑर्डर कर दिया गया, उस पे क्या कहेंगे? वो ऐसे वकील हैं जिनका पहले भी कई अधिकारियों से झगड़ा हो चुका है, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उनका FIR भी हो चुकी है, वो गलत इल्जाम लगाते हैं। मैम इल्जाम की बात अगर करें तो इल्जाम बहुत सारे आप पे भी लगे, नहीं आप ऐसी बात कर रहे हैं, इल्जाम आप पर भी लगे, जो रामगढ़ वाला मामला था उसके पट्टे को लेकर 25 पट्टे वाली बात पर भी आप पे बड़े आरोप लगे। जो आप प्रश्न कर रही थी, सवाल किसी वकील पे उठा रही थी कि उनके ऊपर इतने सारे आरोप हैं, तो मैं उन्हीं आरोप पे बात कर रहा हूँ कि जब उन पे आरोप आप बता रही तो आप पे भी बहुत सारे आरोप लगे। अधिकारी पे आरोप लगाना इसलिए आसान है क्योंकि अधिकारी एक के पक्ष में करेगा तो दूसरे के पक्ष में हमेशा उसके अगेंस्ट होगा, न्यायालय दोनों के पक्ष में कभी कभी भी नहीं, केवल मेरा न्यायालय नहीं, आप ऊपर राजस्व परिषद तक न्यायालय देख लीजिए, एक पार्टी हारेगी एक पार्टी जीत, तो आप भी जानते होंगे, तो जो अगर हारी हुई पार्टी है अगर वो वहां पे बिठा करके लोगों को बिठा देगी तो कोई न्यायालय नहीं चल पाएगी, पहली बार हुआ है। और जैसे आप आरोपों की बात कर रहे हैं, पहले मार धार के आरोप उनके लगे हुए हैं, वो पहले वो बात नहीं करते हैं, सुबह से वो मेरे पास एक बार भी मेरे केबिन में बात करने नहीं आए। दूसरी बात, आप कह रहे आदेश पारित हो गया, नहीं, आप पत्रावली का अवलोकन करिए, आदेश पारित नहीं हुआ, आदेश में निहित की गई है फाइल, मतलब 8 तारीख को आदेश होगा, उससे पहले साफ साफ लिखा गया है कि लिखित बहस दाखिल की जा सकती है, उनके फेवर में भी ऑर्डर हो सकता है, उनको अपना पक्ष कमजोर लगा क्योंकि उनके साक्ष्य फाइल में कंप्लीट नहीं थे, इसलिए पहले ही 8 तारीख को जो आदेश होना है 8 अगस्त को, उसके लिए पहले ही लोगों को बुला लिया गया मेरे ऑफिस के बाहर कि मैडम कुछ कर ना पाए, मैडम
रिपोर्ट आपने मेरे से पहले पूछा ही नहीं। नहीं, पहले तो मुझे पीड़ित से पूछना होता मैडम, अधिकार नहीं, ये आपका कहना, ये आपका अभी आदेश हुआ ही नहीं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका पक्ष क्या है। हो सकता है वो अनादर आरोप लगा रहे हो, आपके पास बहुत सारे लोग पीड़ित आते हैं, उनकी अपनी समस्या होती, जब उनकी समस्या सॉल्व नहीं होती तो अधिकारी पे जाहिर सी बात है वो आरोप लगाते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये जो आरोप वो लगा रहे हैं मैं वही सीधा सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ। जो वो आरोप लगा रहे हैं आप मुझे दो शब्दों में जवाब दे दीजिए, क्या वो सही है या गलत है? मैंने आपको बोला आदेश पारित ही नहीं हुआ तो पीड़ित हो ही नहीं सकते। आदेश 8 तारीख को पारित होना है, आदेश में केवल निहित की गई है फाइल। दूसरी बात, उनके साले बीमार थे, ना उन्होंने फोन कॉल से सूचित कराया, ना उन्होंने लिखित सूचित कराया, ये केवल ये आपको फोन पे बोल रहे हैं, ना वो केबिन में आए। उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो हिंसा का रास्ता है। मैं अपने ऑफिस तक में नहीं आ पा रही थी, इस तरीके से लोगों ने आगे घेर रखा था, तो मैंने गार्ड लोगों से मदद से अब इन्होंने ऑफिस से हटाया। एसडीएम सर ने उनको मना किया कि अगर हर न्यायालय में जो पक्ष हारने वाला होगा, अभी हारे नहीं है वो, उनको लग रहा है वो हारेंगे, जबकि साफ साफ नीचे लाइन लिखी हुई है वकील साहब जिन्होंने भी पत्रावली देखी, उन्हें कोई था वहां पे, कोई था आप उसमें दूसरे पक्ष में थे, साफ साफ लिखा है लिखित बहस दाखिल की जा सकती है। लिखित बहस दाखिल किए जाने का मतलब पत्रकार जी ये है कि कोई भी पक्ष हार सकता है, कोई भी पक्ष जीत सकता है। दूसरी बात, उन्हीं वकील साहब से मैंने कहा मुझे कोई लालच नहीं है, आप अपनी सारी फाइल ट्रांसफर करा लो तहसीलदार के। मैंने वहां बैठ करके कहा, अध्यक्ष जी के सामने कहा, वकीलों के अध्यक्ष जी के सामने, मैंने एसडीएम सर के सामने कहा मुझे आपकी एक भी फाइल का लालच नहीं, आप सारी अपनी फाइलें ट्रांसफर कर दो। उसके बावजूद अगर धरना प्रदर्शन, तो केवल इसलिए कि मेरे पक्ष में ऑर्डर हो, लेकिन न्यायालय वही करेगा जिस हिसाब से फाइल। क्या ऐसा लग रहा है आपको ये दबाव बनाने के लिए आपको किया जा रहा है? आप देख लीजिए पत्रावली में साफ साफ लिखा है, ऑर्डर तो हुआ ही नहीं, तो पीड़ित कहां से हो गए? नहीं, ये तो टेक्निकल चीजें हैं, या तो वकील साहब दोनों पार्टियां बैठी हो या आप ज्यादा जानते हैं, हमें तो वो दिखा जो पीड़ित आरोप लग जाए, जो अपने सो कॉल्ड पीड़ित कह रहे हैं, हो सकता है आपकी नजर में वो पीड़ित ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उसी समस्या का वर्जन मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा था, लेकिन एसडीएम साहब नहीं थे, तो मुझे लगा कि आपसे भी उसका वर्जन लेना चाहिए। और आपका कहना है कि अभी उस पे ऑर्डर ही नहीं हुआ है। 8 तारीख को ऑर्डर में लगाई गई है, अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, और पहले उनके ही पक्ष में जो बाहर बैठे हुए हैं, पहले उन्हीं के पक्ष में ऑर्डर हो चुका है, जो इतनी बातें बोल रहे हैं, पहले उनके पक्ष में ऑर्डर हो चुका है। टू माइंड यू ऑल, प्लीज पूरी जानकारी के बिना किसी को आरोपी अगर आप दिखा दोगे ये तो कहीं भी नहीं होता है। और दूसरी बात है, पीड़ित तो आदमी तब होगा जब वो हारेगा। अगर आप किसी के घर में जाके धरना प्रदर्शन केवल इसलिए करोगे कि आपकी ऑर्डर फाइल ऑर्डर में जज तक, डिस्ट्रिक्ट जज तक इस बात का निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हम निर्णय लें कि ना लें, और एक महिला अधिकारी होते हुए आप सारी महिलाओं को जान बुझ के आप महिलाओं को लेकर के आए जिससे कि उनको और कोई हटा ना सके। तो क्या ये वकील साहब द्वारा क्रिएट किया गया क्या? पूरा वकील आप पत्रावली का अवलोकन कर ले, पूरा मैं सबको कहूंगी कि पत्रावली का अवलोकन कर ले, जिसको भी अवलोकन करना हो। आई एम कम्प्लीटली क्लियर एंड क्रिस्टल, अभी ऑर्डर कोई पर नहीं पास नहीं हुआ, जान बुझ के कल ही आए, इन्होंने मेरे से बात भी नहीं की, सिंपल लाकर के वो लेडीज को बिठा दिया, मेरा पेशकार उनके पास गया कि मैडम से आप बात कर लो, अगर कोई बात होगी तो उसको ठीक भी कर लिया जाएगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं होगी, अब सीधे संग्राम होगा। हो सकता है संग्राम से उनका मतलब हो कोर्ट में लड़ाई को भी संग्राम का नाम दिया हो। कोर्ट में लड़ाई हो, अल्पवंशी जी कोर्ट में कभी भी कोर्ट में हमेशा साक्ष्य पे निर्णय होता है, लड़ाई पे निर्णय नहीं होता। अगर हम फाइल में कोई त्रुटि पाएंगे तो चाहे वो जितना भी संग्राम कर ले, जो चीज फाइल में अगर साक्ष्य नहीं होंगे तो उनके फेवर में केस नहीं होगा, चाहे वो जितना भी ये होता होता है। तो देखिए नायब तहसीलदार मैडम अपना पक्ष रख रही थी, जो हम अभी आपको खबर दिखा रहे थे कि जो पीड़ित हैं उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया, जो उनके वकील हैं उन्होंने आरोप लगाया। मैडम एक और छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो उसका जवाब दीजिएगा कि लगातार यह तहसील में हम लोग भी काफी सालों से हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रोवर्सी आपके साथ हो रही, मतलब आपका बार बार नाम जोड़ा जा रहा है, चाहे वो रामगढ़ वाला मामला हो, चाहे इस तरीके का हर आदमी जो है यहीं पे आके बैठ जाता है, इसका कारण क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका धरना केवल आप और दो, मेरे ख्याल से जितेंद्र जी वो पत्रकार ऐसे हैं जो मेरे से कुछ ज्यादा ही खफा है। नहीं, किस बात पे खफा? अगर सत्य दिखाने के लिए आप हमसे खफा है तो बिल्कुल आप खफा रह सकते हैं। आप खफा है, हम क्यों खफा होंगे? हमारा पर्सनल इंटेंशन क्या है खफा रहने? आप ही जान सकते हैं, ये आप ही बता दीजिए। क्या कोई मैं पट्टे कराने आया, या मैं कोई ऑर्डर कराने आया, या हमारे जितेंद्र जी आपके पास आए? चलिए ठीक है, मैडम से भी बात हो रही थी। हमारे साथ पल्लिया तहसील के वरिष्ठ वकील
और जिस पीड़ित की हम बात कर रहे थे उनके अगेंस्ट में जो पार्टी है उनके वकील हमारे साथ मधुसूदन तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। तिवारी जी ये कई सारे आरोप लगा रहे हैं और जो वकील साहब थे इस पार्टी के वकील साहब, उनका कहना था कि हमारा जो है हम अब्सेंट थे, उसके बाद भी प्रेजेंट दिखाकर ऑर्डर कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अदालत की जो प्रक्रिया, 2:30 बजे नायब तहसीलदार की कोर्ट पर अदालत की प्रक्रिया है, किसी को अदालत घर बुलाने नहीं जाए। सब व्यक्ति का दायित्व है अपनी तारीख पे आवे, अपना पुकार सुने, अपने फाइलों की पैरवी। मेरी पार्टी आई, मैं उपस्थित रहा, 2:30 बजे इनकी पत्रावली की पुकार हुई, 3 बजे पुकार हुई, 4 बजे पुकार हुई, 4:30 बजे जाकर उसमें ऑर्डर शीट लिख दी गई। मैं अधिवक्ता था, मैंने अपनी बहस सुनाई, मेरी बहस को सुनते हुए पत्रावली आदेश में नियुक्त की गई और नेचुरल जस्टिस को देखते हुए कोई आदेश रेस्टोरेशन पे पारित नहीं किया गया। 8 तारीख डेट लगा दी गई और ये उल्लिखित किया गया कि पत्रावली में जो भी पक्ष चाहे अपना अपना लिखित बहस आदेश से पूर्व दाखिल कर सकता है। तो देखिए ये दूसरी पार्टी जो है, दूसरी पार्टी के वकील साहब हैं, उनसे बात हो रही थी और जो पीड़ित पार्टी पीछे बैठी है उनके वकील साहब का कुछ और कहना था। तो इसमें हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, मतभेद हो सकता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये पीड़ित आए हैं तो अधिकारियों को उनकी समस्या सुननी चाहिए और उसका निस्तारण करना चाहिए। आप देख रहे हैं टाइम सिटी न्यूज़ यूपी, मैं विवेक अर्पुंछी।